नमस्कार, आपका स्वागत है सत्पक्ष में। आपके साथ मैं हूं प्रियंका। छत्तीसगढ़ में लोन वर्राजू अभियान से प्रभावित होकर अब तक कई नक्सली पुलिस के सामने सरेंडर कर चुके हैं, और ये तो आप सभी जानते ही हैं कि नक्सली आदिवासियों का माइंड वॉश करके या फिर उन्हें जबरन ही अपने नक्सली संगठन में शामिल करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ये खबर सुनने के बाद आपको जरूर यकीन हो जाएगा। आपको बता दें कि 15 साल की लड़की ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। अब ये लड़की 15 साल की उम्र में आखिर नक्सली कैसे बनी, ये इस पूरी खबर में हम आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के जाटलूर पंचायत निवासी 15 साल की नक्सली ने पुलिस के सामने शुक्रवार को सरेंडर कर दिया है। बता दें कि इस लड़की ने पुलिस अधीक्षक उदय करण के सामने सरेंडर किया है। बता दें कि 5 साल पहले नक्सली इस लड़की का अपहरण करके अपने साथ ले गए थे। दरअसल नक्सलियों ने साल 2010 में इस लड़की के पिता की हत्या कर उसके सर से बाप का साया छीन लिया था। इसके बाद नक्सली साल 2017 में फिर इस गांव में वापस आए और किशोरी को अगवा करके अपने साथ ले गए। उस वक्त इस लड़की की उम्र केवल 11 साल ही थी, लेकिन कैसे भी करके किशोरी अबूझ मार के जंगल से नक्सलियों को चकमा देकर अपनी मां के साथ जिला मुख्यालय पहुंची और वहां उसने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया। साथ ही उसने एसपी से पढ़ाई करने की भी इच्छा जाहिर की। इसके साथ ही एसपी ने भी उसे भरपूर मदद देने का आश्वासन दिया है। इसके साथ ही लड़की की मां को तुरंत ही सहायता के रूप में 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। खैर, इससे ये तो साफ हो गया कि नक्सली सुदूर इलाके में मासूम बच्चों को जबरदस्ती हथियार थमाकर क्रांति के नाम पर उन्हें अपराधी बना रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही जानकारियों और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सत्पक्ष के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी खबरों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार।